मराठी की पुरी का राजा नौबत बाजा मराठी की पुरी का राजा पुरी का राजा पुरी का राजा नौबत बाजा मराठी की पुरी का राजा बाजे छे नौबत बाजा मराठी की पुरी का राजा ओ साहेबान मेहरबान कदरदान अपने अपने घर में सभी पहलवान। तो दोस्तों हम सभी नाट्य वृंद थिएटर अजमेर एकेडमी के कलाकार हैं और आप सभी के सम्मुख एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। नाट्य वृंद संस्था 1986 से सामाजिक सरोकार में अपना योगदान देते आ रही है और उसी के उपलक्ष्य में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो छोटा सा नुक्कड़ नाटक है जिसका शीर्षक है ये है अजमेर और इसके निर्देशक लेखक श्री हमारे लाल कलर की जो टी शर्ट में है उमेश कुमार चौरसिया जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हम शुरू करते हैं। लाल वाले पैंट वाले देखो, अरे चाचा जी देखो, टाई वाले देखो, और छोटे बच्चे देखो, और चश्मे वाले देखो, और जींस वाले देखो, और पैंट वाले देखो, और मूंछ वाले देखो, अरे छोटे बच्चे देखो, अरे कैमरा वाले देखो, अरे देखो देखो, अरे आखिर यहाँ है ही क्या जो देखो, अरे कोई जादू का खेल है या कोई मदारी का तमाशा, अरे कठपुतली का नाच है या पंडित का डांस, आखिर है ही क्या यहाँ जो हम देखे। हाँ हाँ आखिर क्या है जो देखे, क्या है यहाँ जो देखे, भाई ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर हमारा अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर हमारा अजमेर। तो साहिबान मेहरबान कदरदार ये है अजमेर और हम है यहाँ के वासी। राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र है अजमेर। यहाँ रेलवे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कई विभाग भी हैं। यहाँ पढ़े लिखे शहरी और नौकरी पेशे वाले भी हैं। यहाँ बड़े बड़े सेठ और उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ भी हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता और हमारे जैसे अभिनेता भी है। पर इन पढ़े लिखों के शहर में क्या, इन पढ़े लिखों के शहर में, इन समझदारों के शहर में ये क्या हो रहा है, 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 क्या हो रहा है। अरे सगड़ों का ही मैं ही बता दे, अरे देख रहे हो तो अपनी आँखें बाहर के देख लो क्या हो रही है। आज अपना इंटरव्यू का दिन है। अबे कौन है बे, ऐसे ऊपर से कोई कचरा फेंकता है क्या, पूरा कपड़ा खराब कर करेंगे, जब बाप फिर उड़ेगा नीचे ऊपर आ जा। अरे तू नीचे देख, अच्छा खासा कपड़े बर्बाद कर दिए मेरे, इंटरव्यू के लिए कहाँ जाऊँ मैं। अरे सिर पर कचरा हम फेंकेंगे, कपड़े गंदे हो हमको क्या। अरे कुछ तो बोलो, बोलो भैया। अरे भाई क्या हो गया ये, कोई गाली दे दे हमको क्या, सड़कें गंदी हो होने दो, मच्छर भी फैले क्या परवाह, हमें अपने घर से मतलब शहर से क्या है लेना, घर से हमें मतलब शहर से क्या है लेना। अरे घर का सारा कचरा सड़क पर है फेंकना, अरे घर का सारा कचरा सड़क पर है फेंकना, क्योंकि ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर हमारा अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर हमारा अजमेर। अबे ये केले का छिलका किसने फेंका, मेरी टांग टूट गई रे, आए मर गया रे। अरे क्या हो गया टोकरे, अरे आए मर गया, अरे कैसे मर गया। अबे तेरे थप्पड़ पड़ी है ना, बिल्कुल सही पड़ी है, काले लड़कियों को छेड़ता तू, मेरे तो टांग ऐसे झड़ी। अरे किसने फेंका छिलका, हाँ हाँ मेरी छिलके की वजह से पिटाऊं। अबे तेरी तो सही पिटाई हुई है, लड़कियों को छेड़ रहा था खड़ा खड़ा, अरे टांग टूट गई। डोकरे ओ डोकरे, उठा मेरे को,
ये शिक्षा फेंकने वाले की टांगे तोड़ देंगे अपन। केले का छिलका हम फेंकेंगे, आइसक्रीम के डब्बे हम फेंकेंगे, चाहे कोई फिसले हमको क्या, टांग भी टूटे टूटने दो बूढ़े बाबा क्या परवा, महिला और बच्चे क्या परवा। अरे केला हमने खा लिया, छिलके से क्या है लेना, पर केला हमने खा लिया, छिलके से क्या है लेना। अरे खुद ही देख के चल ले, तुझसे हमें क्या लेना, अरे खुद ही देख के चल ले, तुझसे हमें क्या लेना। क्योंकि ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, हमारा अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, हमारा अजमेर। यार नाला गंदी हो रखी है। अरे हले हले चलना हो बहन जी, सड़के हैं अजमेर की, हले हले चलना हो बहन जी, सड़के हैं अजमेर की, नालियों में पॉलिथीन हम फेंकेंगे, सरकार रोक ले हम फेंकेंगे, चाहे नालियां जाम हो हमको क्या, गंदी सड़क हो होने दो, अरे बदबू फैले क्या परवाह, बीमारियां फैले क्या परवाह, चाहे मर्जी जहां फेंक दे सफाई से क्या लेना, जहां मर्जी जहां फेंक दे सफाई से क्या लेना, चाहे मर्जी जहां फेंक दे सफाई से क्या लेना, चाहे मर्जी वहां फेंक दे सफाई से क्या लेना। खुद ही देख के चल ले हमें तुझसे क्या लेना, पर खुद ही देख के चल ले तुझसे हमें क्या लेना। क्योंकि ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, हमारा अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, हमारा अजमेर। हाँ तो भाइयों और बहनों, ये है हमारा अजमेर और ऐसे हैं हमारे अजमेर के निवासी। सड़क पर कचरा और नालियों में पॉलिथीन फेंकते हैं, पार्कों में और सड़कों पर कचरा फैलाते हैं। अरे भैया, सड़क पर कचरा करोगे तो स्वस्थ कैसे रह पाओगे, और अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो जिंदा कैसे रहोगे। भाई सही बात है। तो भाइयों बहनों, एक सवाल क्या पूछ सकता हूँ मैं आप लोगों से? हाँ क्यों नहीं पूछ सकते? अरे आप लोगों से नहीं भाई, आप तो जानते हो मेरे साथ के हो, मैं तो इन सबसे पूछना चाहता हूँ जो मेरे सामने, मेरी नजरों के एकदम सामने खड़े हैं। क्या सवाल पूछूंगा जवाब देंगे? सब एक स्वर में फिर से बोले तेज तेज। वेरी गुड। ये बताइए, अपने अपने घरों की सफाई कौन करता है? अरे भैया हमारा घर है, हम करेंगे और कौन करेगा? कौन कौन करता है? हम सब करते हैं यार, तुम थोड़ी करोगे। ये बताओ, ये बताओ, ये अजमेर शहर क्या हमारा नहीं है? बिल्कुल हमारा है। क्या ये चौपाटी हमारी नहीं है? क्या ये आना सागर हमारा नहीं है? ये सड़कें हमारी नहीं है? वो पार्क हमारे नहीं है? तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? किसकी? हमारी। सुना नहीं, थोड़ा सा तेज। वेरी गुड। तो आइए आप और हम, यानी हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम नालियों में पॉलिथीन नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, सड़कों पे कचरा नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, आना सागर में गंदगी नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, और तो और पार्कों में गंदगी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस शहर से हमें मतलब यही है हमको रहना, इस शहर से हमें मतलब यही है हमको रहना, अरे साफ सफाई रखेंगे तो स्वस्थ होगा जीना, अरे साफ सफाई रखेंगे तो स्वस्थ होगा जीना। क्योंकि ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, हमारा अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, ये है अजमेर, हमारा अजमेर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। अच्छा इंटरव्यू हो जाए। हाँ भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया।
अपने अपने इंटरव्यू शेयर करो। अच्छा लगा ना, कैसा रहा? मैसेज शेरवानी दैट्स माय प्रोफाइल। ओके ओके भाई, कैसा लगा? कैसा मजा आया कि नहीं? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। पर ये मैं ले लेता हूँ भाई, आप थोड़ा सा पकड़ लो। पता करने में बहुत मज़ा आया हमको, और उधर से सोच रहे थे कि यार आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखा सर। हाँ सर बिल्कुल, ये लाइव है। सर आपको कैसा लगा आज का हमारा नुक्कड़ नाटक? अगर मैं अजमेर का रहने वाला हूँ जी, और ये अजमेर मेरा शहर है, तो मैं कहूँगा इतना अच्छा प्रेरणा स्पर्श नाटक और कोई नहीं हो सकता। जितने भी हमारे अजमेर के निवासी हैं, अजमेर के नागरिक हैं, इन सबको इस चीज़ को मानना चाहिए कि जब हम अपने घर को स्वच्छ रखें तो अपने शहर को भी स्वच्छ रखें। बहुत खुश, कोई स्मार्ट बनेगा, हम स्मार्ट, शहर स्मार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ दो शब्द बोले आज के नुक्कड़ नाटक पर। देश समाज हम सबसे मिलकर बना है, और हम ये सोचे कि सारी जिम्मेदारी सरकार की और हम सिर्फ उपभोक्ता हैं, तो ऐसा देश नहीं चल सकता। इसलिए इस देश को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, इसको निर्मित करना है, तो उसमें हम सब की भागीदारी आवश्यक है। तो इसलिए जब तक जनता अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, तो कोई भी सरकार किसी भी तरह से इस तरह से पूरे देश को स्वस्थ या स्वच्छ नहीं बना सकती। इस नाटक ने बहुत सही प्रेरणा दी है, और ख़ासतौर से अजमेर के लोगों को, जो उनकी आदतों में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उस पर जो सीधा सीधा पंच किया है, तो वो लोगों को बहुत उद्वेलित करने वाला है, और उनमें निश्चित रूप से इस तरह के संदेश से परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी जयपुर से आए हैं। अच्छा जी, जी अच्छा लगा नाट्य प्रस्तुति देखकर, और ज़रूर लोग इससे प्रेरित होंगे और सफाई का ध्यान रखेंगे, और हम जिस तरीके से अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह शहर, ये देश भी हमारा है, तो इसको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी सर। अब हमारे सर आते हैं, और इनका ज़रूरी है क्योंकि देते नहीं है मोस्टली इंटरव्यू जी सर। सर आप बताइए कि आज हम विद्यार्थियों ने आपके आपके मतलब कैसे किया, क्या अपेक्षा रही है, और क्या उसमें खुद नहीं, सबने अच्छा किया और मेहनत से किया। हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा चूक होती है, लेकिन उस चूक को इसलिए नज़रअंदाज हम कर सकते हैं क्योंकि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ठीक तरह से ऑडियंस तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, और इतनी बड़ी संख्या में नागरिक जहां पर इकट्ठे थे, और सब ने बिल्कुल सहमति के साथ जुड़ करके इस नाटक को देखा और अपनी बात आवाज़ से आवाज़ मिलाई, तो मुझे लगता है यही सफलता है हमारे इस नाटक की। तो इसलिए नाट्य वृंद थिएटर ग्रुप के सभी सदस्यों को बहुत बधाई। अरे ये हमारे सब नाटक के कलाकार हैं जी सर। ओके अब मैं अपने दोस्तों के साथ एक एक दोस्तों को मिलवाता हूँ, और उनसे बतवाता हूँ आपको कि हमारा जो नाटक है आज का कैसा, मतलब क्या क्या उसमें गलतियाँ की, क्योंकि असल में इंसान को कहने का मुद्दा है। और छोड़ दो सर आपसे, नहीं छोड़ो, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं रजनीगंधा खाता हूँ। जी सर मेरी बहुत गंदी आदत, मैं रजनीगंधा खाता हूँ, पर तुम बिलीव नहीं करोगे, ये रजनीगंधा का टुकड़ा है ना, ये भी मैं सड़क पे नहीं फेंकता। वाह, ये मेरी जेब में रहता है, और घर जा करके मैं इसको अपने डस्टबिन, अभी ऐसे खत्म हो गया जी सर, जी सर, ये डस्टबिन में ही जाएगा, फिर नया खोला तो ये मेरी जेब में ही रहेगा। देख रहे हैं, हमने तो आज सफाई का वो दिया, और सर कब से कर रहे हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। कभी भी इस इतने से टुकड़े को भी रोड पे नहीं फेंकते, बहुत बहुत दूर की बात है, बहुत खुश बात, ये अपनी जेब में रखो, घर जाओ उसके अंदर डाल दो, कौन बताएगा? ठीक है, आप लोग सब साथ में आ जाइए पीछे। हाँ जी, बारह शिक्षण संस्थान जो है 1979 से अजमेर में काम कर रहा है, पहले श्रमिक विद्यापीठ के रूप में ये काम करता था। ओके और अभी भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहा है। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 15 से 31 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाने के निर्देश दिए गए थे, उसी परिप्रेक्ष्य में जन शिक्षण संस्थान बहुत सारी गतिविधियाँ आयोजित कर रहे हैं। ओके, इसी के तहत आज ये चौपाटी पर नुक्कड़ नाटक का ये जो मंचन किया गया स्वच्छता के प्रति करने के लिए, ये उन्हीं के निर्देशों के उसमें किया गया। ओके सर, आपका शुभ नाम? मेरा शैलेंद्र। ओके, और ये सब आपके साथी हैं सर, आपका शुभ नाम? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, आपका सर? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, आपका? सतीश लखन। सतीश लखन, आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह सर, आपका? मनसुख। मनसुख जी, आपका? ओके सर, आशिम। ओके
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों के कारण आज हम लोग भी नुक्कड़ कर सके, फिर से एक बहाना मिल गया हमको नाटक का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अच्छा एक बार सब आ जाऊँ। हेलो, हाँ थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ एक बार देख लें कि वैसे तो गलतियाँ हैं नहीं, क्योंकि इतना मज़ेदार शो है, इतनी भीड़ हुई तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यार गलतियाँ हुई होंगी, बट फिर भी हम लोग देख लें। आ जाओ सबके सब आ जाओ। सर मेरा नाम इमरान खान है और ये इमरान खान है, ये मोहित, इमरान, अंकित, राम प्रसाद, यश, यश और हमारा है एक साथी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा बिजी है, नितेश। और जिन्होंने आपको ये कवरेज दिखाई है ना वो हमारे भाई ब्रतेश कुमार हमारे जिगरी आज ही बने और इतने बन गए कि दिल में बस गए, इन्हीं के सपोर्ट से आप लोग देख रहे हैं, मैं अदरवाइज शब्द नहीं देख पाया। तो आज के मंजन के लिए ये आना सागर झील है हमारी अजमेर की जो शान है, जिसकी शान के किसे हम हर बार हर नुक्कड़ नाटक में गाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। और ये सब देख रही हैं ना, बॉयज़ गर्ल्स सभी हैं, खासकर अपने लोग। और बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सर दे दिया ना। थैंक यू।